हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर पैरामेडिकल। शिवशंकर पैरामेडिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास चलने वाला है वो हम बताए थे आप लोगों को कि मोनेरा जगत चल रहा, और मोनेरा जगत में जो है आज चलने वाला है आप लोग का क्या, मोनेरा जगत में चलेगा जीवाणु कोशिका की संरचना। अगर जो स्टूडेंट यहाँ से नोट्स बनाना चाहता है, लिखना चाहता है, वो लिख सकता है। आज आपका जीवाणु की कोशिकीय संरचना चलेगा। पहले समझ लीजिए, जब आप नौमा में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे नौमा में, कि अगर हम कोशिका के बारे में पढ़े रहे हैं तो कोशिका दो प्रकार के आप पढ़े थे, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक भी पढ़े हैं कि दो प्रकार के होता है, एगो पादप कोशिका एगो जंतु कोशिका। तो ये जो है एक कोशिका है, ये दिखाई दे रहा है आपका जीवाणु। ये क्या है जीवाणु, ये जीवाणु की संरचना है। जीवाणु की संरचना जो होती है, सुनो, ये कोई ऐसा निश्चित आकार वाला नहीं होता कि आप चाहो तो ऐसा बना दो, लेकिन हमने आकार बताइए, छड़नुमा, गोलनुमा, कौमानुमा, सर्पिलाकार, सारा बताया आकार। तो ये जो जीवाणु की संरचना है, देखिए, अगर हम इस कोशिका की बात कर ले आरिस जीवाणु को, तो हम पिछले क्लास में भी समझाए थे कि अगर हम जीवाणु की बात करेंगे, हमेशा कभी भी जीवाणु की अगर हम बात करेंगे तो एक चीज याद रखना है कि जीवाणु जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। एक एक बात अच्छे समझिएगा, जीवाणु जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है, यानी एक ही कोशिका का बना होता है। इसे देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो ये पूरा जीवाणु की जो संरचना है ये एक कोशिका है, यहाँ पे समझो और एक यहाँ पे समझो। ये भी जीवाणु नौमा में पढ़ा होगा, कोई भी आपका कोशिका पढ़े होंगे नौमा में, नौमा में सब लोग पढ़ा है। ये कोशिका के बीच में वो केंद्रक होता है, होता है कि नहीं होता है, इसके बीच में केंद्रक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। केंद्रक के दोनों ओर जो अंतःप्रद्वी जालिका होता है, क्या होता है अंतःप्रद्वी जालिका, क्या इसमें अंतःप्रद्वी जालिका दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। केंद्रक के नीचे गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण होता है, कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं दिखाई दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि ये सारी कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले अंगक होते हैं वो नहीं पाया जाता है। जीवाणु की संरचना में देखा गया तो इसमें कह सकते हैं कि कोशिकांग, कोशिकांग उसको बोलते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रद्वी जालिका, गोल्जी उपकरण, यानी इसके अंदर जो पाए जाने कोशिका होते हैं, कोशिका के अंदर अंगक होते हैं, उसी को कोशिकांग बोलते हैं। तो इसमें जो है कोशिकांग नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, कोशिकांग नहीं पाया जाता है। लेकिन जब इसके आवरण को देखा जाए, ये जीवाणु है तो जीवाणु में कोशिका भित्ति होता है। जीवाणु में क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति होता है, याद रखिएगा। और कोई भी कोशिका का कोशिका भित्ति जो होता है उसको सुरक्षा देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है, यानी इस कोशिका को पूरे बचाने का काम करता है। और इसके अलावे कोशिका झिल्ली तो है ही, लेकिन कोशिका झिल्ली के अलावे जो है कोशिका भित्ति के अलावे के अंदर में प्लाज्मा कला है, और इस प्लाज्मा कला को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जबकि कोशिकांग नहीं पाया जाता है। इसके अलावे इसमें जो है एक छोटा सा गोलाकार राइबोसोम होता है। तो आपको पता है कि जीवाणु जो होता है कौन सी कोशिका होती है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक होता है, तो प्रोकैरियोटिक है तो स्वाभाविक बात है इसमें राइबोसोम जो होगा वो 70S होगा। क्या होगा, 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है वो 70S पाया जाता है। और इसके अलावे इसमें छोटा सा एक गोलाकार होता है डीएनए होता है। क्या होता है, छोटा सा एक गोलाकार डीएनए होता है, और बाकी इसके अंदर जो है ढेर सारा जीव द्रव्य भरा होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है। इसमें एक लंबी जो पूंछ के जैसी संरचना निकलती है, जो सतह के किसी भी भाग से
निकल सकता है। किसी किसी जीव में इधर से निकलता है, किसी किसी जीवाणु में इधर से निकलता है, किसी जीवाणु में इधर से निकलेगा, किसी जीवाणु में इधर से निकलता है। तो एक लंबी पतली पूंछ की जैसी संरचना निकलती है, तो इस संरचना को बोलते हैं कसाबिक, इंग्लिश में फ्लेजिला कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर आपको एग्जाम में कोश जीवन यहाँ पे कहते हैं जीवाणु की कोष के संरचना का वर्णन करें, तो बस इस चित्र बना देना लिखना है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें कोशिकांग नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पाया जाता है। यह एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है जिसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है तथा छोटा सा गोलाकार डीएनए होता है और इसके अंदर जीव द्रव भरा होता है। इतना लिख लेगा, अब इसको मिटाते हैं, समझिए। ये जो कसाबिक होता है, अगर हम कसाबिक की बात कर ले, सिर्फ किसका कसाबिक की बात कर ले, कसाबिक जो होता है तार के जैसा, समझिएगा, तार के जैसा, तार के समान एक संरचना होता है। तार समझ रहे हैं ना, समान संरचना, यानी जो संरचना होता है वो तार के जैसा, पूंछ के जैसा एक संरचना होता है, ठीक है। और इस संरचना से यह अपने संकेतों को, सूचनाओं को पता लगाता है जीवाणु कि आगे क्या होने वाला है, घटनाएं घटने वाली है, ठीक है। तो तार के समान एक रचना होता है। अगर हम कसाबिक के आधार पर देख ले, कसाबिक कुछ जीवाणु जो होते हैं ना उसमें कसाबिक नहीं पाए जाते। तो अगर हम लोग कसाबिक के आधार पर देख ले कि जीवाणु कितने प्रकार के, देखिए कुछ कुछ जीवाणु में कसाबिक पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते, कुछ में इधर से निकलते हैं। तो कसाबिक के आधार पर हम लोग अगर जीवाणु के प्रकार देखें, तो देखिए कितने प्रकार के, कसाबिक के आधार पर जीवाणु के प्रकार समझ लीजिएगा बढ़िया से, कि कसाबिक यानी फ्लेजिला के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकार, चलिए एक एक करके समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा अगर जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं। तो कसाबिक के आधार पर अगर जीवाणु को देखा जाए तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला समझ लीजिए, यहाँ पे पहले नंबर पे आता है एट्राइकस। क्या आता है? एट्राइकस। एट्राइकस देखिए, एट्राइकस एक प्रकार के जीवाणु का नाम होता है। क्या होता है? जीवाणु का नाम होता है। ये ऐसा जीवाणु होता है, इस प्रकार के जो जीवाणु एट्राइकस होता है इनमें जो है कसाबिक नहीं पाए, कसाबिक इसमें फ्लेजिला कहते हैं, इनमें कसाबिक नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। इसमें जो है कसाबिक, कसाबिक नहीं पाया जाता, नहीं पाया। तो देखिए वैसे जीवाणु जिसमें कसाबिक नहीं पाया जाता उसे एट्राइकस जीवाणु कहते हैं। अब एट्राइकस जीवाणु में कौन कौन से जीवाणु आते हैं? तो वो आते हैं जैसे पाश्चुरैला। क्या जाते हैं? पाश्चुरैला। पाश्चुरैला एक ऐसा जीवाणु है जिसमें कसाबिक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको एट्राइकस के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया? पाश्चुरैला को, एट्राइकस के अंतर्गत, क्योंकि इसमें कसाबिक नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है, देखिए समझिए बढ़िया से, दूसरा समझिए, दूसरा आता है मोनोट्राइकस। क्या आता है दूसरा? मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। अब इस मोनोट्राइकस को समझिएगा बढ़िया से, देखिए जीवाणु के अगर प्रकार देखा जाए कसाबिक के आधार पर, तो पहला जो आता है वो होता है एट्राइकस, जिसमें कसाबिक नहीं पाया जाता, जैसे पाश्चुरैला। अगर हम मोनोट्राइकस की बात कर ले, तो मोनोट्राइकस एक ऐसा जीवाणु होता है जिसमें कसाबिक किसी भाग से निकल जाता है। कसाबिक जो है, कसाबिक जीवाणु के एक भाग से, जीवाणु के एक भाग, एक सतह से, एक भाग से निकलता है, भाग से निकलता है। तो देखिए कसाबिक जो है जीवाणु की एक भाग से निकलता है, तो कैसे निकलता है? देखिए कसाबिक जीवाणु की एक भाग से, तो जीवाणु जो है ये वाला पूरा जीवाणु है, तो जीवाणु के एक दाने से निकला है कि नहीं? कसाबिक एक भाग से निकला हुआ है, तो ऐसे जीवाणु को मोनोट्राइकस कहते हैं। कि मोनोट्राइकस जीवाणु, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर ले, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कसाबिक का, तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे आपका हो जाएगा सीडोमोनास। क्या हो जाएगा? सीडोमोनास। देखिए सीडोमोनास जो होता है एक ऐसा जीवाणु होता है जिसमें पूरे जीवाणु के शरीर के एक भाग से ही कसाबिक निकलता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद फिर आपको आगे समझाते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया,
अब इसको इस फिगर को मिटा देते हैं, ठीक है। अब इस फिगर को मिटा देते हैं, अच्छे से समझिएगा, एक एक बात जो है ना अच्छे समझना है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात कर ले तो तीसरे नंबर पर जीवाणु के प्रकार होते हैं लोफोट्राइकस। क्या होते हैं? लोफोट्राइकस। अब ये लोफोट्राइकस जो जीवाणु होते हैं ये क्या होता है, सुन लीजिए, लोफोट्राइकस। देखिए लोफोट्राइकस जो जीवाणु होता है, इसमें अगर हम कसाबिक की बात कर ले तो इसमें जीवाणु के किसी भी सतह से, यानी जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु के किसी भी भाग से, किसी भी भाग से, किसी भी भाग से कसाबिक निकलता है। कसाबिक निकलता है, क्या निकलता है? कसाबिक निकलता है। अब यहां पे समझिए, जैसे जीवाणु चरखूट बनाए थे तो इधर से निकल था, तो लोफोट्राइकस जो जीवाणु होते हैं ना उसमें इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, इधर से इधर, किधर से भी निकल सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात कर ले तो जैसे में कौन सा जीवाणु आता है, तो साल्मोनेला। साल्मोनेला, साल्मोनेला एक ऐसा जीवाणु है जिसमें कसाबिक जो है शरीर के किसी भी भाग से निकल सकता है, ठीक है। अगर हम चौथे नंबर पर देखें जीवाणु के प्रकार में कसाबिक के आधार पर, तो आता है एम्फीट्राइकस। क्या आता है बाबू? एम्फीट्राइकस आता है, एम्फीट्राइकस। अब एम्फीट्राइकस कौन सा जीवाणु होता है, समझिए, एम्फीट्राइकस जो जीवाणु होता है, जैसे यहाँ पे बताए कि जीवाणु किसी भी सतह किसी भी भाग से निकल कर दस भी कसाबिक निकल सकता है, लोफोट्राइकस। अगर हम एम्फीट्राइकस की बात कर ले तो एम्फीट्राइकस जो होते हैं ना, इसमें अगर हम कसाबिक की बात कर ले तो इस प्रकार के जीवाणु में जो कसाबिक होता है वह कसाबिक दो भाग से निकलता है। कहां से निकलता है? दो भाग से निकलता है। अब ये दो भाग से कैसे निकलेगा, समझिए, ऐसे ऐसे है तो इधर से भी निकल जाएगा, इधर से, यानी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिसके दो सतह में कसाबिक होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है, वो वैसे जीवाणु को एम्फीट्राइकस कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे तो इसका एग्जाम्पल में जीवाणु आता है नाइट्रोसोमोनास। क्या आता है? नाइट्रोसोमोनास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, अगर हम पांचवें नंबर पर देखें जीवाणु, तब वो होता है पेरिट्राइकस। क्या होता है? पेरिट्राइकस होता है। तो पेरिट्राइकस जो जीवाणु यहाँ पे होता है, समझिएगा बढ़िया से एक एक बात, पेरिट्राइकस। तो पेरिट्राइकस जो जीवाणु होते हैं इसमें कसाबिक संपूर्ण सतह से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? कसाबिक जो होते हैं संपूर्ण सतह से। संपूर्ण सतह मतलब समझ रहा है, जैसे अभी जीवाणु का जो चित्र बनाए थे तो इधर से इधर से इधर से, यानी चारों तरफ से निकलता है, उसको पेरिट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस कहते हैं। तो सुनिए, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल आता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। अब ये इस प्रकार का जो जीवाणु होता है साल्मोनेला टाइफी, वह कसाबिक जो होता है उसमें संपूर्ण भाग से निकलता है। कहां से निकलता है? पूरे जीवाणु के शरीर से, पूरे शरीर से कसाबिक जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, कसाबिक के आधार पर जीवाणु टोटल पांच प्रकार के होते हैं, ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस। ट्राइकस में देखा जाए तो ट्राइकस वैसे जीवाणु को बोलते हैं जिसमें कसाबिक नहीं पाया जाता है, जैसे पास्चुरेला। मोनोट्राइकस वैसे जीवाणु को कहते हैं जिसमें कसाबिक जीवाणु के एक सतह से निकलता है, जैसे सीडोमोनास, ठीक है। लोफोट्राइकस उसको बोलते हैं जिसमें जीवाणु के किसी भी भाग से कसाबिक जो है निकल जाता है, किसी भी भाग से निकल, कहीं से निकल सकता है उसको लोफोट्राइकस, साल्मोनेला जैसे में। एम्फीट्राइकस कसाबिक सतह के दो भाग से निकलता है, नाइट्रोसोमोनास, और पेरिट्राइकस जिसमें कहीं पूरे भागे से निकलता है, जैसे साल्मोनेला टाइफी में। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। मैं लिख लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, चलिए यहाँ आज वीडियो रोक करके ले लीजिए ना, फिर मिटाते हैं। चलिए देखिए, समझिए बढ़िया से।
आगे अब समझिए, अच्छे से समझना एक एक बात है। अब यहां पे समझिए, अगर हम जीवाणु के जनन की बात कर ले, ठीक है, जीवाणु की अगर हम जनन की बात कर ले कि जीवाणु, देखिए कोई भी पृथ्वी पर जीव है उस सब के सब यही जीव चाहता है कि हमारा भी पृथ्वी पर संतान हो, हम लोग भी चाहते हैं, तो यानी इसलिए जनन की क्रिया करना हर कोई चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता है। तो आज हम बात करेंगे अभी तुरंत जीवाणु में जनन के बारे में। देखिए जीवाणु में जनन की जो क्रिया होती है वो कई प्रकार से होता है, ठीक है। ऐसे बताए थे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक कोशिका है, अगर हम एक जीवाणु क्या होता है, एक कोशिका जीव होता है, और कहे थे आप लोग को कि एक कोशिका जो जीव होगा ना, वो जितने भी एक कोशिका जीव होगा वो लगभग जनन की जो क्रिया करेगा वो करेगा अलैंगिक। क्या करेगा? अलैंगिक करेगा। कौन सा जनन करेगा? अलैंगिक जनन की क्रिया जो है करता है। समझ में आया? अलैंगिक जनन की क्रिया करता है। लेकिन यहां पे समझिए, अलैंगिक जनन की क्रिया अगर जीवाणु करेगा तो पहला करता है खंडन के द्वारा। किसके द्वारा? खंडन द्वारा भी करेगा। खंडन द्वारा क्या करता है, ये जो जीवाणु है, मान लो ये कोई जीवाणु है और इसके अंदर जीव द्रव भरा हुआ है, तो ये जीवाणु क्या करता है, अपने शरीर को, किसको? अपने शरीर को दो भाग में, कितने भाग में बाबू? दो भाग में खंडित करता है। अब खंडित कब करेगा? जब यह अनुकूल परिस्थिति में पहुंचता है, यानी कह सकते हैं जब यह प्रजनन परिस्थिति में पहुंचता है, अनुकूल परिस्थिति, तो जैसे अनुकूल परिस्थिति में पहुंचता है तो यह शरीर को दो भागों में विभाजित कर देता है। क्या करता है? दो भागों में विभाजित कर देता है और नया जीवाणु संतति बनाता है। क्या बनाता है? नया संतान बनाता है। लेकिन कुछ जीवाणु जो होते हैं, मान लीजिए कि जीवाणु है, तो कुछ जीवाणु में कवक के द्वारा प्रजनन होता है, जैसे हवा से उड़ करके मान लीजिए कवक आया और श्रृंखला के रूप में जमा होता है। किस रूप में? इस कवक को बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं? इस कवक को कोनिडिया बोलते हैं। तो कुछ कुछ जीवाणु जो होते हैं उसमें कोनिडिया के द्वारा भी जनन की क्रिया होता है। कोनिडिया जो होता है ना, एक प्रकार का ही क्या होता है? कवक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है। और जब जीवाणु के शरीर के ऊपर बैठ जाता है और बैठने के बाद एक श्रृंखला के रूप में क्रम बनाता है, श्रृंखला के जैसा, और बैठ करके क्या करता है कि जब यह विकसित करना शुरू होता है तो इसके शरीर से अलग हो जाता है और नया नया जीवाणु बनाता है। इसको बोलते हैं कवक जीवाणु। यानी इस कुछ जीवाणु में कोनिडिया के द्वारा प्रजनन क्रिया होता है, कवक के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है, लेकिन कुछ में बीजाणु के द्वारा भी होता है और कुछ में जो है, देखिए ऐसे लैंगिक नहीं होता, लैंगिक होता है तो पुनर्जनन जनन की क्रिया होता है, ठीक है, क्योंकि समझिए अगर लैंगिक करेगा तो इसमें तो जीवाणु में युग्मक तो बनता नहीं है। जीवाणु में क्या युग्मक नहीं बनता? अरे नर मादा अलग अलग युग्मक बनता है? नहीं बनता है। सिर्फ क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है यानी एक उसी खटके और धुके तुम गया, यहां से अनुवांशिक पदार्थ इसमें भी तो गया, दो भागों में विभाजित हुआ, तो बस यही होता है, कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, कल शुरू करेंगे आप लोगों का नया टॉपिक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।